आज जो मीटिंग रखी है इसमें कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं। काय के हमने एक लेटर दे दिया ग्राम सभा रूढ़ी बात वाला, तो एसडीएम साहब सबसे पहले आप ये गलत फहमी निकाल लेना कि परमिशन निरस्त कर दी, माइक नहीं चलान देंगे, पुलिस को आगे करके टेंट नहीं लगा दिया। अरे हमार तो गर्मी में बैठने की आदत है, गेम गर्मी में बैठने की आदत है कि नहीं है? ने गोफन चलाता आता कि नहीं आता? तीर कामटी चलाता आता कि नहीं आता? कि नहीं आता? गोफन किस किस के पास है ऊंचा हाथ करके बताओ। तो क्या टेंट से चलेगी? ये तो जल जंगल जमीन ये हमारी लड़ाई है। और ये कब शुरुआत हुई है? 2023 से अलीराजपुर जिले से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमारे आदिवासी समाज ने जब विरोध किया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा थे, जब उन्होंने बोला कि जब चुनाव का टाइम था कि आप लोगों की एक इंच जमीन नहीं जाएगी, पैसा एक ग्राम सभा में नहीं जान देंगे हम, उसके बाद चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तो ऑटोमेटिक अब ये कहने लग गए कि केंद्र से डायरेक्ट खदाने हो रही है। बिल्कुल सही हो रही है। सबसे पहले डाबड़ी ब्लॉक का हुआ है जो हमारे जोबट विधानसभा में आता है, फिर इसके बाद नेतड़ा में हुआ, इसके बाद खट्टाली कोल इंडिया द्वारा खदान ली गई है। और हमारे एसडीएम साहब बता रहे कि ये अफवाह है, अफवाह है। अफवाह बता दो कि खान विभाग पे, खनिज विभाग पे, उस पे देखो, आप वेबसाइट पे देखो कि आपके अलीराज झापा जिले में कितनी खदानें स्वीकृत हो गई है। आपको मालूम नहीं, ना कलेक्टर मैडम को मालूम है, 8 खदानें सेंक्शन हो चुकी है, टेंडर हो गया है उसका। ये मेरे पास कागज है, ये कागज है, ये कागज है, छे हम आपको बताएंगे वहां ज्ञापन देने। ये पेटलावत तहसील, थानला तहसील में ये खदान हो चुकी है, लेकिन अभी उसको कब्जा नहीं दिया जा रहा है। हजारों एकड़ जमीन जा रही है मेघनगर से लेकर पेटलावत तक का, ये नाम भी हमारे भाई पढ़ के बताएंगे पूरे काका हुए, टेंडर हुए। और एसडीएम कहता है कि अफवाह है, आज जल जंगल जमीन के लिए हमारा पूरा आदिवासी समाज, ये तो अभी बहुत कम आए हैं, अभी तो लाखों आएंगे, तो आपको जीना हराम कर देंगे। एसडीएम साहब आप कौन सी खेत की मूली हो? आप स्टेटमेंट दे रहे, अगर ये हमारे को बता दो जो 8 खदानें लीलाम हुई है, 8 ब्लॉक लीलामे हुई है, उसका जवाब अगर आप 8 दिन के अंदर नहीं देते हो तो पूरा झाबुआ जिले में कलेक्टर ऑफिस को करीब 1 लाख आदिवासी समाज घेरेंगे। घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? कोई डरने वाले नहीं है। और मुझे मालूम पड़ा कि एसडीएम यहाँ का शायद चुनाव लड़ने कर रहा होगा, तो सरपंचों को बुला के कि आप मत जाओ, फर्जी है, आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। अरे भाई एफआईआर तो कर, सबकी कर दे, ये जितने आए उतने सबकी एफआईआर कर दे, जेल हमारी है, वहां भी रह लेंगे।
हमारे बाप दादों ने बनाई जेल, और आप मिथ्यास भाई का डरने की बात नहीं, मिथ्यास भाई आपके पास पूरा आदिवासी समाज है, जिला बदलने की है, सिर्फ क्या कर सकते हो आप, रासुका लगा सकते हो, जिला बदल कर सकते हो, गोली नहीं चला सकते हो, ना फांसी दे सकते हो, तो कब तक जिला बदल करोगे, कितने को जिला बदल करोगे, एक बार करके बताओ तो आपकी नानी दादी याद दिला देंगे, नानी दादी याद दिला देंगे। आप विकास की नहीं बात करते, नेताओं के चक्कर में, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, उनके बहका में मत आना। और जिला बदल जिस रोज कर दिया, उस रोज पूरा एसपी कलेक्टर ऑफिस ऐसा घेरेंगे कि आपकी नानी दादी याद आएगी। ये झापा जिला है, आदिवासियों का जिला है, दिलीप सिंह भूरिया का जिला है। हमारे दिलीप सिंह जी भूरिया ने आज लड़ाई लड़ी, छठी अनुसूचित के लिए भी लड़ाई लड़ी, पैसा एक्ट के लिए भी लड़ाई लड़ी, तो जाके आज ग्राम सभा में पैसा एक्ट लागू हुआ है। ये स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की देन है। ये भीलों का राज है, ये भीलों का राज है, ये आपका अधिकार, आपको नौकर के रूप में हमारे यहां काम करना पड़ेगा। जिस रोज हम चाहेंगे उस रोज भगा देंगे। आप कह रहे कि हमने निरस्त कर दिया, अरे हमने तो जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे। आज कुंदनपुर वाला रोड, हमारी माँ बेटी कई विधवा हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, तो रोड के बारे में करा हमने आंदोलन, और जिला बदल की कार्रवाई करने के नोटिस दे दिए। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था परसों, भानु भाई ने पेपर में दे दिया, मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बात हो गई है, बहुत अच्छी बात है। अरे भानु भाई, तो पहले ही आप करवा देते। जब इतिहास भाई ने, हमने चक्का जाम रोड जाम करने की बात करी, तो पहले क्यों नहीं कराया? आपकी 20 साल से सरकार है, ये कह रहे कि जल्दी टेंडर, अरे हमारे को टेंडर की काफी दे दो, किसका टेंडर हुआ, ये हुआ है, आप लोग तो जमीनों के, हमारे खदानों की नीलामी करवा दी, झापा जिले में 8 करवा दी, अलीराजपुर में 3-4 करवा दी, और अभी ये सालरपाड़ा, भूतखेड़ी, मातासुला, उसका भी खान, उसमें वेबसाइट पे जाओ, उसका है। अभी मुख्यमंत्री मोहन, डॉक्टर मोहन यादव जी बेंगलोर गए थे, वहां पे सभी कॉन्ट्रैक्टरों को बुलाया कि आप नई दुनिया में पेपर में भी आया कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में 52 जिलों में पूरे देश में बहुत खनिज पड़ा है, मैग्नीज पड़ा है, चूना पत्थर पड़ा है, तो आप तो आओ, आदिवासियों को हम उजाड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, बांसवाड़ा से लेकर तो वहां तक, महाराष्ट्र तक, नंदुरबार जिले तक खदाने का, आप खान वेबसाइट पे जाओ, खनिज वेबसाइट पे जाओ एसडीएम साहब, और अलीराजपुर जिले में देखो, झापा जिले के पेटलावत और ये मेघनगर के, अभी हम बताएंगे आपको कौन सी कंपनी ने किसका हुआ है। ये क्या झूठ है? आप कह रहे कि पैसा एक्ट के तहत नहीं होने देंगे, उसमें 17 अगस्त 2023 को उसमें खनिज मंत्रालय ने उसको संशोधन किया, वो राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ है, आपको यह भी नहीं मालूम है, आपको और पुलिस प्रशासन को
सिर्फ दारू और पैसा चाहिए, दारू का पैसा चाहिए और दारू की दुकान। सभी मेरा आदिवासी भाई से मेरा निवेदन है कि जा पंचायत की दुकान है पूरे झापा में, आप पैसा एक्ट ग्राम सभा में पारित करो कि अगली बार दुकान आपकी एक भी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मैंने पूरे अलीराजपुर जिले में सिर्फ अब तीन दुकान बचेगी, तीन पैसा एक्ट के तहत तीन दुकान बचेगी, एक जोबट, अलीराजपुर और भाबरा, बाकी सभी को ग्राम सभा में पारित करके अभी कम से कम 20 से 25,000 महिलाएं इकट्ठी करके कलेक्टर को हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें कलेक्टर अलीराजपुर को 25,000 महिला ज्ञापन सौंपेगी कि साहब, कलेक्टर साहब, ये दारू गांधी के गुजरात में जा रहा है, नरेंद्र मोदी के गुजरात में जा रहा है, तो इसको पैसा एक्ट के तहत बंद करो। और आपकी बहन भी आएगी, उमा भारती भी आएगी, उसको भी आमंत्रित करेंगे। उमा भारती भी कहती है कि दारू बंद करो, दारू बंद करो, तो उसको भी हम 25,000 महिलाओं में सम्मिलित करेंगे और कई समाज के लोगों को भी सम्मिलित करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो आप भी झापा में बंद करो। रहा सवाल मिथ्यास भाई के, वहां कोई ऐसा ही बिगर अनुमति से वो गया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। मिथ्यास भाई आप डरो मत, आपके पास कागज है, आपके पास वीडियो है, उसकी लूट की कायमी करके, लूट की कायमी करके हाई कोर्ट में लगा के उसकी बिल्कुल कायमी होगी। चिंता मत करो, चिंता मत करो, आप उसके खिलाफ एफआईआर होगी, लूट की, डकैती की होगी। 5 जने हैं, पुलिस को मैंने कई एक बार जेल पहुंचाए, कई कितने थानेदार ये ऐसे मामले में कई बार ऐसे देख लेना, नहीं तो रिकॉर्ड, अगर महेश पटेल झूठ बोले तो अलीराजपुर आके पूछ लेना कितने लोगों को हमने पहुंचाए। ये तो अभी हम अगर हमार को छेड़ोगे तो आपको इतना छेड़ देंगे तो यहाँ झापा जिला और अलीराजपुर में रहना मुश्किल हो जाएगा। शराब माफियाओं के साथ अगर कलेक्टर मैडम में, आबकारी अधिकारी में और एसपी साहब अगर ठान ले कि झापा जिले में कितनी कितनी पेटी अवैध पड़े रही और जो डेट खत्म हो गई है, 10,000 तो राणापुर में पड़े ली, 20,000 पड़ी बता रहे इस दुकान पे, अगर जांच कर ले तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। महेश पटेल ने अलीराजपुर में कम से कम 30,000 पेटी का केस बनवाया, उस ठेकेदार की नानी दादी याद आ गई। आज 15-20 दिन हो गए अलीराजपुर में ना ठेकेदार दिख रहे, ना कोई नहीं दिख रहे, सिर्फ दुकानों पे मैनेजर इतने दिख रहे, तो उनका भी इलाज करेंगे। अतिन भाई आ जाओ, उनका भी इलाज करेंगे। अभी हमने एक लेटर दिया तो अभी वो 25,000 लाडली बहना इनकी, किनकी, मुख्यमंत्री की, तो 25,000 महिलाएं 10 और 11 के बीच में, और उमा भारती जी को हमने आमंत्रित किया कि आपके गांधी जी के गुजरात और नरेंद्र मोदी के गुजरात में जा रही है, हमारे आदिवासी तो नहीं पीते हैं, हमारे आदिवासी तो महुआ पीते हैं, तो ये ठेकेदार भी सोच ले अगर हमारे आदिवासियों पे या हमारे कोई कार्यकर्ताओं पे या हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पे अगर हाथ उठाएगा, उस रोज कम से कम हजारों गाड़ियां की तादाद में उसके भी हाथ तोड़ देंगे, उसके भी हाथ तोड़ देंगे। कहता है एसडीएम 188 लगा देंगे, भाई क्यों नहीं परमिशन दी? आप कहते कि डीजे की परमिशन नहीं, जब आप कोई कावड़ यात्रा निकल जाए या कोई राम मंदिर बना, जब डीजे बजे कावड़ यात्रा में, डीजे बजे
जब हमारा 9 अगस्त को डीजे बंद करो, 9 अगस्त नहीं मना रहे, हमारा आदिवासी विश्व दिवस था, ये बंद करो, ये भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। अब आदिवासी जाग चुका है, आदिवासी जाग चुका है। अगर हमारे आदिवासी भाई की अगर जमीन जाएगी, सबसे पहले महेश पटेल लग जाएगा, हमारे ये बेटे सब कार्यकर्ता आएंगे।